नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। हरियाणा का इंडस्ट्रियल हब कहे जाने वाले फरीदाबाद ने फिर से अंगड़ाई लेनी शुरू की है। लंबे वक्त से मंदी और कोरोना की मार झेल रहे औद्योगिक क्षेत्र को राहत देने के लिए शहर के उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए आज से फरीदाबाद में 3 दिवसीय 21वें इंडस्टेक मशीन टूल्स एंड ऑटोमेशन एक्सपो का शुभारंभ किया गया। इस एक्सपो में कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर इस एग्जीबिशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता, तेगांव विधानसभा से विधायक राजेश नागर के साथ स्लेज हैमर ऑयल टूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी प्रदीप मोहंती, सुपर स्क्रू कंपनी के चेयरमैन शमी कपूर, पीआईएल कंपनी के एमडी नवदीप चावला आदि उद्योगपति मौजूद रहे। आपको बता दें कि फरीदाबाद में आयोजित इस 3 दिवसीय इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में लगभग 300 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि इंडस्टेक एक्सपो 2022 अब तक के संस्करणों में सबसे बड़ी प्रदर्शनी होगी। गौरतलब है कि अब तक फरीदाबाद शहर में इंडस्टेक एक्सपो के कई संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। औद्योगिक प्रदर्शनी के माध्यम से फरीदाबाद और निकट क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को अपनी फैक्ट्री सुचारू चलाने में उपयोगी सभी उपकरण व सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकेंगी। उद्योगपति विभिन्न उपकरण निर्माता व सप्लायर्स सीधे मुलाकात कर सकते हैं और उपकरण की संपूर्ण जानकारी व तकनीकी ज्ञान उपकरण के विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसे भाग लेंगे अपनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या बड़े उद्योगपति हैं, छोटे उद्योगपति, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पहले भी मेला लगता था 96 से और बरकरार अपने शहर के जितने भी उद्योगपति हैं अपने ब्रांड के डिस्प्ले करते हैं और इससे क्या है कि एक दूसरे के व्यापार को लाभ मिलता है, व्यापार का प्रभाव पड़ता है, आदान प्रदान होता है और इससे एक ज्ञान मिलता है कि अपने शहर में ये चीज़ बनती है, उसके लोगों में आप उसमें व्यापार करते हैं। मैं सभी उद्योगपतियों भाई, मेरे साथ नरेंद्र गुप्ता जी बड़े भाई विधायक हैं यहाँ से इस विधानसभा से, भाई राजेश नागर जी मेरे छोटे भाई हैं, तिगाम से विधायक हैं, जेपी मल्होत्रा जी हैं, रमिक जी हैं, शम्मी जी हैं, और सभी साथियों को बधाई दूंगा कि इस तरह के सबको बढ़ावा होना चाहिए और इससे बढ़ावा मिलता है और हरियाणा प्रदेश, हरियाणा में जो फरीदाबाद की एशिया में जो पहचान थी उसको वापस हम सबको वापस लाना। फरीदाबाद पहले कुछ समय पहले आप अगर देखेंगे तो वर्ल्ड के मैप पर, एशिया के मैप पर बहुत ऊपर आता था, पर बीच में कई कारणों की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री यहाँ से चली गई, पलायन कर गई, पर दोबारा से हमारी सरकार 2014 से जब से आई है हम ये चाह रहे हैं उनका खोई हुई पहचान दोबारा से इनको मिले। औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के सरकार की तरफ से कितनी मदद इन लोगों को मिलेगी? हमारी सरकार तो मदद करती आ रही है, नई नई पॉलिसीज, नई नई योजनाएं इंडस्ट्री वालों के लिए बना रही है और आगे भी हमारे बजट में कई योजनाएं इनके लिए बनाई गई। एक बहुत ये एग्जीबिशन पहले भी लगती रही पर पिछली कोरोना की वजह से कुछ सालों से नहीं लग पाई, 2 सालों से अब ये फिर से शुरुआत हुई है और बहुत ही अच्छी शुरुआत है क्योंकि एग्जीबिशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अपने कस्टमर से रूबरू हो पाते हैं और जो एक ह्यूमन टच या जो फिज़िकल अपीयरेंस जो रहता है किसी भी चीज़ का, मेरा मानना है कि उससे काम बहुत जल्दी बनते हैं। जी, लोगों को किस तरीके से इसका फ़ायदा मिल पाएगा? काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है जो कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, किस तरीके का जो फ़ायदा है मिलने में? देखिए, इस तरह के एग्जीबिशंस में क्या सीरियस लोग ही आते हैं, सीरियस जो विजिटर होते हैं मोस्टली सीरियस ही होते हैं, तो वो किसी पर्पस से आते हैं, वो कोई घूमने नहीं आते हैं या टाइम पास करने नहीं आते हैं, तो इस तरह के एग्जीबिशन में क्योंकि मैं अगर अपने आप को कंसिडर करूँ, मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट रहे थे और मेरे बिज़नेस में जो ग्रोथ हुई है इस तरह के एग्जीबिशन से हुई है। शुरुआती दौर पे मैं ऐसे एग्जीबिशंस में एज ए विजिटर जाता था देखने के लिए कि दुनिया में क्या चल रहा है और उसके बाद जब हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तो मैंने इसी तरह के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उसकी वजह से मुझे बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ी तरक्की मिली। ये बेसिकली हमारा 21st एडिशन है इंडस्टेक का और हम लोग पिछले 10 सालों से यहाँ पर फरीदाबाद में एग्जीबिशन कर रहे हैं और इसके अंदर तकरीबन 400 के करीब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हुए हैं और काफ़ी सारी मशीनें हैं, जस्ट लाइक CNC मशीन्स है, VMC मशीन्स है, लेज़र कटिंग मशीन्स है और मशीन टूल से रिलेटेड सारे आइटम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखो बेसिकली ये एक B2B शो है, इसमें क्या होता है कि बायर और सेलर की एक गेट टुगेदर होती है। बेसिकली फरीदाबाद की जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं उनको कम कीमत में अच्छे प्रोडक्ट्स उनको परचेज करने होते हैं, उन सारे उन प्रोडक्टों के लिए यहाँ पर हमने एग्जीबिशन लगाया है। वो आएंगे तो कम्पिटेटिव प्राइस में नए नए प्रोडक्ट मिलेंगे और साथ ही उनके प्रोडक्ट का डिस्प्ले होगा तो बहुत सारे लोगों को लीड जनरेट होगी, बिजनेस।